नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल इंटरव्यू में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, बिहार चुनाव सर पर है तो उसके बारे में बात करना तो लाजमी है। जब भी किसी राज्य में या अपने देश में चुनाव होता है तो पिछले सरकार और अगली सरकार के कार्यकाल को कंपेयर किया जाता है, ना कि उस दरमियान में विकास के किस प्रकार के काम किए गए हैं। अगर देश में होता है तो 70 साल वर्सेस अदर ड्यूरेशन का कंपेयर किया जाता है कि आपने क्या किया, हमने क्या किया, इस तरह की बातें की जाती है। ठीक वही चल रहा है आजकल बिहार में। यानी लालू जी के राज में 15 साल में क्या हुआ, तो नीतीश जी ने 15 साल में क्या किया, ना कि क्या होना चाहिए था। वैसे तो कई लोग वाकिफ हैं कि उस दरमियान में लालू जी के समय का 15 साल क्या था, नीतीश जी के समय का 15 साल क्या है, दोनों का खाका सबके पास अवेलेबल है। फिर भी एक बार पुरानी यादों को ताजा करने के लिए मैं इस वीडियो में कुछ बातें रखना चाहूंगा कि लालू जी का जो 15 साल का राज था वो क्या था, कैसा था, किस तरीके के विकास के नए नए कीर्तिमान गढ़े गए थे, कितनी उपलब्धियों को बिहार ने प्राप्त किया था। और फिर वीडियो के अंत में मैं ये अवलोकन करूंगा कि क्या वो 15 साल का विकास हमें कितना आगे ले गया, इसके बारे में जरूर मैं चर्चा करूंगा। तो चलिए आइए देखते हैं कुछ मुद्दों पे कि कहां कहां विकास के कीर्तिमान उपलब्धियों की नई नई सीढ़ियों को लालू जी के राज में 15 साल में, यानी 1990 से 2005 2004 इन वर्षों तक में उपलब्धियों को प्राप्त किया गया। दोस्तों, अगर पहली बात कहा जाए तो हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि 1990 के बाद के 15 वर्ष के कार्यकाल को जंगल राज कहा जाएगा, क्योंकि उस समय बिहार में चप्पा चप्पा अपहरण, हत्या, बलात्कार, डकैती, रंगदारी, भ्रष्टाचार जैसी घटनाओं के लिए ही जाना जाता था। और इसी को देखते हुए पटना हाईकोर्ट ने बिहार में शासन व्यवस्था को जंगल राज की संज्ञा दे दी थी। तो अब आप सोचिए कि किस तरह की स्थिति बनी हुई थी। दूसरा मुद्दा, उस समय बिहार में अपहरण एक उद्योग बन गया था। जी हां, एक कंपनी तो लगा नहीं पाई सरकार, तो चलो कोई उद्योग करते हैं। तो बिहार अकेला ऐसा राज्य था पूरे देश में नहीं बल्कि दुनिया में जो किडनैपिंग को उद्योग के रूप में मान चुका था, क्योंकि जिसकी जैसी इच्छा होती थी, जब मन करता था बेरोक टोक किसी को उठा लिया जाता था और उसकी औकात के हिसाब से उससे फिरौती मांगी जाती थी। हालांकि इसमें विशेष तबके का ध्यान रखा जाता था, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, बड़े बड़े व्यवसायी, इनका विशेष रूप से ध्यान रखा जाता था। उनके बच्चे कब स्कूल आ रहे हैं, स्कूल से जा रहे हैं, या उनके घर के लोग कहां कहां आवागमन कर रहे हैं, उसकी सारी डिटेल तैयार करके माल के रूप में, जैसे कंपनी के लिए माल की जरूरत होती है, वैसे ही अपहरण रूपी उद्योग के लिए मानव रूपी माल को उठा लिया जाता था और प्रोडक्ट्स के कॉस्ट के रूप में फिरौती ले ली जाती थी। एकदम बेहतरीन तरीके से चल रहा था। 32,085 मामले हैं लगभग 1992 से लेके 2004 के दरमियान में। और अगर आपकी इच्छा हो तो इसे कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 365 × 13 साल को और से डिवाइड करिएगा तो पाइएगा कम से कम 6 से 7 प्रतिदिन का अपहरण का केस रहा है। तो बेहतरीन था प्रदर्शन। अब बात करते हैं हत्याओं की। तो अगर आप हत्याओं की बात करिएगा तो इसमें भी हम पीछे नहीं है। सिर्फ बिहार पुलिस की वेबसाइट पे अगर आप देखें तो 2000 से 2005 के बीच में लगभग 18,189 हत्याएं हुई, यानी 5 साल, यानी अगर 365 दिन को कैलकुलेट करिए तो 365 × 5 डेज में 18,189 हत्याएं, यानी प्रति साल कम से कम 3,000 से ज्यादा हत्याएं। तो अनुमान लगाइए प्रतिदिन की क्या स्थिति रह रही थी, वो भी पुलिस के वेबसाइट पे जो दर्ज हुई। अगर आंकड़ों को ध्यान दिया जाए, मानवाधिकार की बात की जाए और कुछ रिपोर्ट्स को कहा जाए तो लगभग 50,000 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था उस दरमियान में। अब चलिए बात करते हैं थोड़ी सी चोरी और सीना चोरी और बेरोजगारी के बारे में। आलम यह था कि लालू जी की दूसरी बेटी रोहिणी की शादी थी और गाड़ियों की थोड़ी कमी हो गई थी उनके जुलूस में ले जाने के लिए। तो जहां बन पड़ा, जैसा बन पड़ा, जो भी शोरूम था वहां से बिना नंबर की जो भी गाड़ियां थी सभी उठा ली गई और जिसने मना किया उसे भी उठा लिया गया, तोड़फोड़ किया गया
और इतना बेजा इस्तेमाल हुआ था उस दरमियान के आप चाहे तो अखबारों में इसके बारे में देख सकते थे। भव्यता की जरूरत थी, गाड़ियों की कमी पड़ रही थी तो लाजमी सी बात थी, करना तो था ही। इसमें उनके शासन की गलती नहीं थी, वो गाड़ी नहीं देने वालों की गलती थी, मेरा मानना है। अगर उसके आगे की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन के संरक्षण में रेप केसेस हुए, शोषण हुआ है। आपको आईएएस विश्वास का कुख्यात केस याद ही होगा, किस तरीके से उनके परिवार के साथ अत्याचार हुआ था, उसमें भी एक विधायक शामिल थे और जहां तक मुझे पता है अभी तक जेल में बंद है। और उतना ही नहीं, उनकी पार्टी के एक नेता का बहुत बड़े पटना के एक रेप केस कांड में हाथ था। अलग बात है, अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, तो भारत में कौन सा कानून सिद्ध ही कर पाता है कोई गुनाह? यहां तक गुनाहगार भी मर जाता है और जिसके ऊपर वो गुनाह हुआ है वो भी चला जाता है, तो ये अलग बात है, वो छोड़ दीजिए कि नहीं वो सिद्ध नहीं हुआ है या हुआ है। तो ऐसे केसेस भी होते थे और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन पूर्णतः शांति से देखता था, कुछ भी नहीं करता था। अगर हम नरसंहारों की बात करें, यानी मानवों की हत्याएं, बल्क में हत्याएं, कई तरीके से कई सेनाएं बन चुके थे, कई संगठन बन चुके थे, तो चाहे जहानाबाद का लक्ष्मणपुर बाथे कांड हो, या मान लीजिए अरवल का शंकर बिघा कांड हो, या औरंगाबाद के मियापुर गांव का नरसंहार हो, इस तरह के कई नरसंहार हैं, कितनों का नाम लो, ये सभी नरसंहार जो हुए तो ये होते रहे और पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाई। राजनीति का एक तरह से अपराधीकरण हो चुका था। बड़े बड़े नेता जो थे वो उससे पहले दूसरे धंधे में थे, और आपको जानकर खुशी होगी कि ज्यादातर अपराध के धंधे में थे, और बहुत बेहतरीन माना जाता था कि अपराध में जाइए, नेता बन जाइए, कितना भी पढ़ लिख लीजिए वहां तक नहीं पहुंच पाइएगा, मेहनत करिए नहीं, लेकिन अपराध में जाइए तो नेता जरूर बनिएगा। और इसके उदाहरण है शहाबुद्दीन जैसे लोग जो लालू के बहुत ही करीबी लास्ट तक माने जाते हैं, सॉरी लालू जी के करीबी बहुत लास्ट तक माने जाते हैं। आतंक का ऐसा दौर व्याप्त था कि कई लोगों को जिंदा जला दिया जाता था इनके क्षेत्र में, और फिर भी किसी भी तरह के एक्शंस की अगर बात कर लें इनके ऊपर, तो अगर हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में उस पेपर कटिंग के साथ, एक्शन के साथ, उस दरमियान के अच्छे सुशासन की जरूर पोस्ट करिएगा। अगर जात पात की बात करें तो जात पात में एक बड़ा ही पॉपुलर नारा चला था उस समय, भूरा बाल साफ करो, मैं जातिवाद रहित आदमी हूं, भू से भूमिहार, रा से राजपूत, ब से ब्राह्मण, ल से लाला, इन्हें साफ करो। क्या साफ करो? विकास की बात नहीं, गंदगी साफ करने की बात नहीं, और मजाक की बात की जाती थी उस समय, क्योंकि उन्हें भी पता था, लालू जी को पता था कि यही मजाक यहां का तबका पसंद करता है। तो ये तो हो गई जाति में बंटने की बात, घोटालों की बात, कहीं कोई घोटाला होता था, भाई साहब हमारे यहां बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन घोटाले हुए हैं, नाम सुनिएगा मजा आ जाएगा आपको, अलकतरा घोटाला, चारा घोटाला, है ना बेहतरीन नाम, देखिए नाम में कितनी क्वालिटी है। हमारा इतना तो हमारे अंदर मानवता थी जो अन्य पार्टियों में नहीं थी, कि मतलब हम मानव के आहार पे तो अटैक नहीं करने वाले, अगर हम कुछ करेंगे तो भाई जानवरों के अनाज के साथ कुछ करते हैं, उस हिसाब से जानवर भी कम होंगे और उस हिसाब से जो है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए वो फंड को लगा दिया जाएगा। तो अगर एक तरह से देखा जाए तो ये जो घोटाला है, ये घोटाला मानवों के विकास के लिए हुआ है। और ये बात अलकतरा घोटाला का, देखिए अब इसका भी एक एक्सप्लेनेशन है, बहुत बेहतरीन एक्सप्लेनेशन है। अगर अलकतरा का आप सही से प्रयोग नहीं करेंगे तो अच्छी सड़कें नहीं बनेंगी, और अच्छी सड़कें नहीं बनेंगी तो एक्सीडेंट्स की संभावनाएं कम रहेंगी, अपहरण की घटनाएं कम हो जाएंगी, चोर डकैत क्रिमिनल ये लोग भाग के जाएंगे कैसे, रोड ही खराब है भागेंगे कैसे। तो एक तरह से कहीं ना कहीं इस तरीके से उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से अपराध को भी कम करने का प्रयास किया। तो ऐसी ही उपलब्धियों से भरा हुआ है 15 साल का हमारे बिहार का जंगल राज, तो है ना कई कीर्तिमान और कई उपलब्धियां, जहां लोग खुशियों की जगह सहमे सहमे से रहते थे। और बेहतरीन की बात क्या करूं, प्रशासन की बात क्या करूं, महाराज अपराध भी समानता का भेदभाव रखता था। विश्वास करिएगा, आप अगर बाइक से जाते हैं तो वो भी छीन लेते थे, साइकिल से जाते थे वो भी छीन लेते थे, छोड़ते कुछ नहीं थे, हम
समानता जरूरी था, ये था वो 15 साल। तो अब जो चुनाव आया है तो जरूरी नहीं है कि दोनों 15 साल को कंपेयर करिए और कि चलिए ये 15 साल खराब रहा तो पिछले 15 साल पे लौट जाते हैं और नहीं ये 15 साल अच्छा रहा तो पिछले 15 साल को छोड़ देते हैं। नहीं, दोनों की चीज की जरूरत नहीं है। क्या विकास हुआ है? क्या दोनों में से कोई सरकार मजदूरों का पलायन रोक सकी? क्या रोजगार उपलब्ध करा सकी है? क्या प्राइवेट कंपनियों का एस्टैब्लिशमेंट हुआ है? क्या होने वाली परीक्षाएं नियमित हुई है? विश्वास ना हो तो सरकारी वेबसाइट्स पे जाके चेक कर लें बिहार राज्य की, कि बिहार राज्य के सरकारी नौकरियों के बल पे अगर युवा अपना करियर बनाना चाहते हैं तो विश्वास रखिए पेंशन लेने से 2-4-5 साल ही बच जाइएगा आप रिटायरमेंट के लिए, तब जाके आपको ज्वाइनिंग मिलेगा, वो भी तब अगर प्रॉपर तरीके से होते रहे आपको जॉब का सारा स्टेप्स कंप्लीट। तो फॉर्म भरा जाता है 2013 में, 2020 तक में आप प्री नहीं करवा पाते, तो ये भी समस्या इस सरकार में, उस सरकार में भी थी। कंपेयर मत करिए, विकास की जो गतिविधि है वो देखिए। आप शिक्षित समझदार हैं, सबसे ज्यादा ग्रेजुएट देने वाले राज्य से बिलोंग करते हैं और अपने आप को बुद्धिजीवियों में काउंट करना पसंद करते हैं। IAS, IPS, IITs, बैंक PUs, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां हम रोजगार के रूप में खड़े नहीं कि नहीं हम तो लेंगे ही सीट। और तब जब आती है चुनाव में चुनने की बारी तो बाहुबली, क्रिमिनल, अपराधी, जितने इस तरीके के गुणों से अलंकृत लोग हैं, जितने ज्यादा है उसे हम सेलेक्ट करते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि अपराधी अपराध रहित बिहार बनाएंगे, विकास की वी नहीं जानने वाले विकास की धारा में बहाएंगे। और जिन्होंने 9वीं तक पढ़ाई की है, गौर करें उन्हें आजकल नया चेहरा माना जा रहा है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिन्होंने 9वीं की पढ़ाई की है वो हमें शिक्षा के क्षेत्र में उज्जवल भविष्य प्रदान करेंगे। और इस बात की चर्चा PhD करने वाले छात्र करते कि नहीं नहीं वो नया चेहरा है वो बेहतर भविष्य लेंगे। तो नया चेहरा शिक्षित भी मिल सकता है, कहीं उठ करके गांव समाज से भी आ सकता है, जो आपके और हमारे बिहार को एक नई दिशा दे सकते हैं। जरूरी नहीं है किसी पार्टी का, किसी वंश का, परिवारवाद का ही व्यक्ति हो तो हमारे समाज को आगे ले जाएगा। तो अगर ऐसा है तो फिर बॉलीवुड के नेपोटिज्म को क्यों बुरा कहते हैं? अरे अगर किसी का पिताजी फिल्म इंडस्ट्री में है तो बेटे बेटी को भेजेगा ही, तो फिर तो वही बात होगी। अगर हम 9वीं फेल को बेहतर कैंडिडेट मान रहे हैं तो कहने क्या। इसके साथ में इस वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा। सोचना आपको है, देखना आपको है कि अपने राज्य का विकास पसंद है कि परिवारवाद पसंद है। आप विकास की सीढ़ी पे दौड़ना चाहते हैं कि फिर वही पलायन का दंश झेलना चाहते हैं? सोचना आपको है। इस नोट के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा। दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।